आगे चड्डी वाली मान लो को भी देख सकते हो, देखो कैसे नहा चल रही है। ये देखिए लाल वाली को देखो, लाल वाली को देखो। ओहो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत आपका स्टेबल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश आइडिया। तो दोस्तों, थाईलैंड के बैंकॉक सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको लेके आया हूं थाईलैंड का एक और रेड लाइट भोकाली वाली स्ट्रीट, पटपोंग मार्केट। तो ये है यहाँ से पटपोंग नाइट मार्केट स्टार्ट होती है। अब मैं करता हूँ जैसे आप लोग डिमांड पे, बैक कैमरा चालू और देखिए आप नज़ारा यहाँ का। ये देख सकते हैं आप, ये पूरे पटपोंग मार्केट की गलियां हैं। यहाँ पे देखिए पूरी मसाज वाली कन्याएं इधर भरी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर भी बैठी हुई हैं। धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ और आप लोग देखते जाइए। एक और घपा घप वाली स्ट्रीट, ये पटपोंग मार्केट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरी कन्याएं हैं जिनके साथ आप ले जाके देख गचा गच कर सकते हैं। काफ़ी जन्नत तो थाईलैंड के कोने कोने में भरी है, लेकिन बैंकॉक शहर में कुछ ज़्यादा ही है। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी भी अलाउ है, कहीं कहीं वॉकिंग स्ट्रीट में गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन ओके यहाँ पे देखिए फ़ोटो के लिए भी अलाउड नहीं है। तो काफ़ी डेवलप हो गया है ये एरिया पहले से। अंदर यहाँ पे सेक्सी शो भी होते हैं, तो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। क्या मेमोरीज रहते हैं ना। अच्छा, तो गाइस अभी मैं इस पटांग नाइट मार्केट में शूटिंग कर रहे थे, हमें भैया मिले हैं। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं मुंबई से हूँ। भैया मुंबई से हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो देखते हैं। कैसा लगता है आपका? मुझे अच्छा लगता है। और वो रेट बोलते हो ना, लड़कियाँ कितना बोलती है, इसका कितना, उसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। अभी यहाँ से दूसरी गली स्टार्ट होने वाली है। इस एरिया में आएंगे, इस गली में आएंगे तो यहाँ पे पूरे लेडी बॉय ही आपको मिलेंगे। ये देख रहे हैं पूरा, ये लेडी बॉय है। ये देखिए हर तरह के पर्यटकों का स्वागत करता है आपको। आप जिस भी तरह के हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, सभी पर्यटकों का स्वागत करता है आपका थाईलैंड। कछु नहीं छोड़ेंगे इस बार, सब एरिया आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखते जाओ। ये पूरा एरिया जो है पूरा लेडी बॉय रोड का। ये देखो इस पूरे एरिया में पूरा लेडी बॉय है। लेडी बॉय की दुनिया। तो देखा आपने, जहाँ लेडी बॉय मिलते हैं, लेडी बॉय लोगों की जो गली है जहाँ पे पूरे भरे होते हैं, वो गली भी हमने आपको दिखा दी। अब चलते हैं हम आगे की ओर। ये है मेन पटपोंग की गली, ये भी आगे भी गली है भाभी, वो भी दिखाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा। ये देखो ये घड़ी आ रही है। ये देखो पूरी गलियां,
पूरा जो है ना ये पूरा पटपंग नाइट मार्केट है। यहाँ पे अगर घुमाने निकलो तो आपको बहुत कुछ घुमा सकता हूँ। अब लगता है मौसम बनाने के लिए हमको भी मंदिरा पान करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, समझे। मंदिरा पान की अब आवश्यकता हो गई है, क्योंकि जब तक मंदिरा की एकाध दो घूट अंदर नहीं जाएगी तब तक मेरी कलाकारी निखर के नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और ले चलते हैं आपको मंदिरा पान की दुकान पे। आप लोग बस देख देख के आँख सीखते जाओ तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा काम है बस आँख सेकना, तो तुम लोग बस आँख सेकते जाओ, ठीक है। ये पटपंग पुलिस स्टेशन है, ये देखो माल है माल। तो ये देख लो, ये है पटपंग नाइट मार्केट का लोगो, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप ये देख लीजिए। यहाँ से जो गलियाँ हैं वो पटपंग नाइट मार्केट की स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे आप कपड़े लत्ते से लेके और जो भी शॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे इधर की ओर देख सकते हैं अच्छी अच्छी इम्पोर्टेड घड़ियाँ मिल रही हैं, और जूते चप्पल कन्याओं अर्थात महिलाओं के लिए ड्रेस, यहाँ पे आप अच्छे खासे रेट में बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, मतलब मोल भाव कर सकते हैं, शायद आपको कम में भी रेट मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी कुछ कुछ यहाँ पे बिक रही हैं, लेकिन आगे चलते हैं, आगे जो हमारा मोटो है आपको वो दिखाने, क्योंकि इससे तो आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि शॉप पुल, क्योंकि आप लोग बोलोगे शॉपिंग मार्केट वगैरह तो हमने बहुत देखी है, जो दिखाने आए भाई वो दिखाओ। तो शुरू में है ये, तो इसलिए दिखा दिया आपको, बाकी आगे चल के आपको दिखाता हूँ पूरी पटपंग नाइट मार्केट। ये देखिए घड़ियाँ, तरह तरह की घड़ियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। ये देखिए बॉक्सिंग का चश्मा ही, एक से एक चश्मा मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए लाल वाली को देखो, लाल वाली को देखो, ओहो ये देखो। लेकिन यहाँ दूसरी जगह से हर जगह यहाँ पे अच्छी अच्छी करना है भाई, म्यूजिक बज रहा है, कॉपीराइट ना जाए, हटो गुरु। ये देखो देखिए पूरा भाई, इसका तो चुत्तड़ दिख गया यार, ये क्या है, कहाँ की है। यहाँ पे आपको दल्ले भी मिलेंगे, दल्लों के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। ओह इसके बुबू देखो भाई, क्या सो चल रहा है यार, मन तो कर रहा है जाऊँ सो देखने, लेकिन नहीं जाऊँ। ये देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए, देखो देखो देखो, ये देखा, ये देखो, ये देखो, देखा तो किसका किसका खड़ा हो गया और किसका किसका निकल गया, गुरु बता दो तुरंत। लस्सा है, लस लसा के बड़ी मस्त बन है भाई, अभी तो थोड़ी खुली है भाई, आधी आधी खुली है, अभी आधी तो बाकी है। ये देखो इधर आगे स्ट्रीट फूड मार्केट चालू हो गई है, यहाँ पे आप खाना पीना जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। मुझे पीना, अगर मेरी बात करें तो मैं जूस और नारियल पानी पीऊँगा, क्योंकि अधिकतर मैं जूस और नारियल पानी पीता हूँ। ये देखो ये देखिए पूरा, चलो अब एक बार और आपको माल दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इस साइड से अब बने रहो, चुपचाप देखते रहो, कुछ बोलना मत गुरु, ठीक है। हेडफोन अपने जहाँ डालना है डाल लो और चुपचाप से दर्शन करो, ठीक है। धीरे धीरे चलूँगा, ठीक है, एक बार और घुमाऊँगा ऐसे,
बस ये लास्ट गली है, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा खौसन रोड। भाई इतनी खूबसूरत खूबसूरत कन्याएं भी तरसती हैं भाई करवाने के लिए, मैं मानता हूँ। क्यों ये देखिए आगे को चलते हैं, धीरे धीरे चल भाई धीरे धीरे, स्टेबलाइजेशन का इशू आ जाएगा जल्दी जल्दी चल। ये देखो ये देखो, ये देखो पूरा करो यहाँ पे आगे चड्डी वाली माले भी मिल रही हैं, आगे चड्डी वाली मालों को भी देख सकते हो, देखो कैसे नाच रही है। हेलो प्लीज अभी अभी भाई साहब यहाँ पे लेडी भी दल रही है क्या भाई, औरत भी दल रही है। ये देखो कितने खूबसूरत आगे बियर पीऊँ या जूस क्या पीऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं कहूँगा अगर बैंकॉक आ रहे हो यहाँ आना, और मैं जो बता रहा हूँ जिस क्लब में बता रहा हूँ वहाँ जाना, पिंग पोंग शो देखना। कौन सा शो? पिंग पोंग। भाई मैं उसमें चला गया भाई साहब, क्या बताऊँ भाई साहब, ऐसी जिंदगी क्या बताऊँ भाई साहब, ऐसा शो कि आप एकदम तृप्त हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए दिमाग ही आपका सुन हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे ना सामान एकदम क्या क्या आपने छेदा से करनी है, अपने छेदा से बैलून फोड़ रही है, अपने छेदा से अंडा फेंक के मार रही है, और आदमी लोग पीछे से उसमें मार रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो अपने छेदा से फच 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 वो छोटा छोटा बॉल जो होता है वो फेंक के मार रही है, और आप लोग जो हम लोग जो बैठे रहेंगे उसमें हाथ में वो देंगे बैडमिंटन टाइप का, उसको ठप ठप मारते रहेंगे, वो मारते रहेंगे। ये सो अपने छेदा में से ब्लेड निकाल रही है, अपने छेदा में से मतलब जब इतना बड़ा बड़ा मेढक निकाल रही है भाई साहब, देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अपने छेदा से गुब्बारे एकदम से बंदूक वाला होता है ना, अपने छेदा में से उसके में छर्रा जाएगा, बैलून भी मार देगा फटाक से, बैलून फोड़ रही है भाई। ये ऐसे ऐसे अद्भुत कलाकारी हो रही है। तभी कहें भाई यहाँ की कन्याओं की क्या है ज़िंदगी भाई, आके आप कसम से एक बार आप तृप्त हो जाओगे। और जितने भी इंडियन एक भी वहाँ पे नहीं थे, ठीक है, और क्या पता भारतीय मेरे से पहले गए हों या आप लोग में से भी बहुत लोग गए हों, ठीक है, लेकिन मैं भी जिस टाइम पे गया था एक भी इंडियन नहीं थे, और इंडियन मुझे नहीं लगता ये सब देख भी पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक अंतर आत्मा से भी आवाज़ देने भाई ये क्या है, ठीक है भाई साहब। वो तो उसकी मजबूरी है, वो काम कर रही है, लेकिन भाई साहब मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप देखोगे ना दिमाग आपका सुन हो जाएगा भाई साहब। छेदा में भाला इतना बड़ा मेढक उसमें डाल के सबके सामने डाल के अंदर से आना और सबके सामने निकालना, छेदा में कम 1 मीटर का ब्लेड निकालना, छेदा में से जैसे 1 मीटर का माला बनता है ना उस तरह ब्लेड का माला वो उसके अंदर डाल के निकालना, करीब 10 मीटर की डोरी छेदा में से निकालना, अपने छेदा में से मतलब कि इतना दूरी पर छर्रे डाल के फक मार के गुब्बारे फोड़ देना, अपने छेदा में से अंडे निकालना, और भाई साहब एक तो बहुत ही मुझे ये लगा भाई, अपने छेदा में जो इतने बड़े बड़े बॉल होते हैं ना, इसको पिंग पोंग बोलते हैं, पिंग पोंग शो, यहाँ पे पिंग पोंग इतने बड़े बॉल होते हैं भाई, अपने छेदा में से डाल डाल के
मार रही है, जो उधर दर्शक बैठे हैं उसके हाथ में छोटा छोटा बैडमिंटन है, वो मार रहे हैं ऐसे पट पट, वो अपने छेदा में से निकाल के फच फच मार रहे। भाई साहब देख के दिमाग एकदम दुख गया मेरे, बोला भाई यार बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ, अब चलते हैं, अब आप लोग आओ भैया और खुद देखो ठीक ना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से थाईलैंड के एक और मतलब भौकाली वाली स्ट्रीट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के विदेशी और लोकल पर्यटक जो हैं वहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं, उस जगह पे लेके जा रहा हूँ। वो जगह का नाम है खौसन रोड, ठीक है। तो तो यहाँ से मैं खौसन रोड जाने के लिए टुक टुक करता हूँ, और टुक टुक करने के बाद चलते हैं हम खौसन रोड। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा आज का बैंकॉक थाईलैंड के पटपोंग नाइट मार्केट और पिंग पोंग शो का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता है, कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। ये नई घड़ी। You are trying to...